नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। झांसी मेडिकल कॉलेज में लगी आग, 10 बच्चों की मौत। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में कल देर रात्रि अचानक शॉर्ट सर्किट से भीषण आग लग गई। आग का धुआं उठता देख स्टाफ में हड़कंप मच गया। ये आग बच्चा वार्ड में लगी, जहां बच्चों के परिजन भी उपस्थित थे। ये जानकारी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे, तब मुख्यमंत्री ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को देर रात्रि झांसी मेडिकल कॉलेज भेजा। उप मुख्यमंत्री ने स्थिति का मौका मुआयना किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये आग शॉर्ट सर्किट लगने के कारण लगी है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया था और स्थिति सामान्य है, लेकिन परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। किसकी लापरवाही के कारण यह आग लगी है, ये तो जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जांच के आदेश दे दिए हैं। करेगा दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी, जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी, और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा और जो भी कारण होंगे वो आपके समक्ष, हम प्रदेशी जनता के समक्ष आपके माध्यम से रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे। और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। बच्चों के परिजनों के साथ, बच्चों के साथ पूरी सरकार खड़ी है, हम स्वयं दुखी हैं। रात से जब से हमें घटना की जानकारी मिली, हम लगातार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हम मेडिकल कॉलेज प्रशासन के संपर्क में हैं। हमारे साथ प्रमुख सचिव महोदय भी आए हैं। हर स्थिति में हम साफ साफ ये करेंगे कि कहां से आग लगी, किसकी लापरवाही है। यदि लापरवाही नहीं, दुर्घटना है, तो उसकी भी हम जांच रिपोर्ट आपके समक्ष रखेंगे। प्रथम दृष्टया हमें पता करने पे, जो हमने बात किया है चिकित्सकों से, नर्सेस से, पैरामेडिकल स्टाफ से, हमारे स्टाफ ने, चिकित्सकों ने बहुत बहादुरी के साथ बच्चों को बचाने का काम किया है। बड़ी संख्या में बच्चे रेस्क्यू किए गए हैं। जो हमारी माताएं बहनें भर्ती थीं, उनको भी हमने रेस्क्यू किया है। सबका अच्छा इलाज चल रहा है। हमारे सामने सबसे बड़ी पहली चुनौती है जो हमारे बच्चे। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए क्राइम 24 आवर्स के साथ।